हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वाई स्टडी विच इज़ दी पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो आप सभी का स्वागत है जल्दी से ही सभी सेशन से जुड़ जाइएगा साथ ही सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम लोग क्लास को यहाँ पर शुरू कर सकें चलिए एक बार सभी कॉमेंट्स करके बता देंगे सभी चीज़ें सही हैं गुड मॉर्निंग ओके चलिए चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अपनी क्लास को लेकर के तो भाई आप लोगों का 18 फरवरी सुबह 11 बजे रेलवे के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है तो आप सभी के सभी अन अकाडमी एप्लीकेशन पर रेलवे के लिए स्कॉलरशिप का जो कि मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है इसे आप सभी जरूर अटेंड करें ये अट्ठारह फरवरी सुबह ग्यारह बजे यहाँ पर रहेगा ठीक है इसके साथ ही आप सभी मेरे कोड को यूज़ करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं जिसमें कि आप लोगों के लिए सी के लिए ऑल इंडिया रैंकर बैच ए के लिए यहाँ पर बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है सी के लिए लक्ष्य बैच रेलवे एग्जाम्स के लिए रफ्तार बैच और सी के लिए सफलता बैच इसके साथ ही स्टैनोग्राफर के लिए फाउंडेशन बैच यहाँ पर चल रहा है आप लोग एस एग्जाम्स के लिए यहाँ पर Math, uh, यहाँ पर एस एस मैथमेटिक्स की बुक भी ले सकते हैं फाइव थाउजेंड से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर बायोलिंगल क्वेश्चन पर मिल जाएंगे इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर आइकॉनिक अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को फिजिकल नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं साथ ही आप लोगों को जो भी फीचर्स प्लस में यहाँ पर मिलते हैं वो सभी के सभी आप लोगों को आइकॉनिक में भी यहाँ पर मिल जाते हैं ठीक है चलिए तो एक बार सभी बता देंगे कॉमेंट्स करके कि भाई हम लोग यहाँ पर सेशन को अपना स्टार्ट करते हुए चले चलिए ओके ओके चलिए तो सभी चीजें ओके ऑल थिंग्स ओके चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपने हम लोग uh, यहाँ पर अपने सेशन को आप सभी जो की है यहाँ पर आंसर करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस में कि क्या अपने क्वेश्चन में आंसर जो की है यहाँ पर रहेगा ठीक है चलिए सो so अभी जो हमारा सेशन चल रहा है यह स्टैटिक जीके के ऊपर अपना सेशन यहाँ पर चल रहा है जिसमें कि आप लोग जो कि है क्वेश्चन के नंबर पर फोकस मत करना बल्कि आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन का आंसर करते हुए यहां पर चलना है कि क्या है जो कि हमारा आंसर यहाँ पर अपना बनेगा ठीक है चलिए भाई बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन में कि क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा फटाफट से सभी के सभी क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा चलिए मिनट बस आप लोग के कॉमेंट्स में यहाँ पर कर लूँ चलिए सो so, देखते हैं कि गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है यह आप लोगों को बताना है गोभी मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो यह है मंगोलिया देश क्या हो जाएगा भाई इसकी अगर बात कर लेते हैं तो यह है मंगोलिया देश प्लस मंगोलिया देश के साथ में ही यह है चाइना देश में भी यहां पर आता है और गोभी डेजर्ट की बात करेंगे तो यह एक कोल्डेस्ट डेजर्ट के लिए यहाँ पर जाना जाता है यानी कि यह एक ठंडा मरुस्थल है इसके साथ ही यह है एशियास लार्जेस्ट लार्जेस्ट uh, ये है क्या हो जाएगा कोल्डेस्ट डेजर्ट के लिए भी जाना जाता है यानी कि एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल जाना जाता है द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसमें आप सभी जरा यहाँ पर आंसर कीजिएगा अगले क्वेश्चन में कि क्या आपका आंसर जो की है यहाँ पर हमारा बनेगा चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन में आंसर करेंगे फटाफट -फड़ से क्या होगा चलिए किस राज्य के इनमें से आपको लोगों को बताना है कि किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है यह आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है देख लेते हैं अगर हम लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात कर लेते हैं तो किसकी है यह है गुजरात की गुजरात की बात करेंगे तो लगभग वन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड क्या जाएगा वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर इसकी कोस्टल लाइन है और यह भारत में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन यहाँ पर रखता है दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य रखता है क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य रखता है और तीसरे नंबर पर, पर सबसे लंबी कोस्टल लाइन जो की है यह तमिलनाडु राज्य यहाँ पर रखता है ठीक है और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो अनुमान निकोबार जो कि है यह लगभग 1900 किलोमीटर की कोस्टल लाइन यहाँ पर रखता है और गुजरात राज्य के कंपेयर में भी यह सबसे ज्यादा कोस्टल सबसे सबसे लंबी कोस्टल लाइन यह है, रखता है ठीक है और अगर स्मोलेस्ट की बात करें कि सबसे छोटी कोस्टल लाइन जो की है यह है कौन सा राज्य यहां पर रखता है तो याद रखिएगा कि यह गोवा राज्य है जो कि सबसे कम कोस्टल लाइन को रखता है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आप सभी को आंसर करके यहाँ पे बताना है कि क्या आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ठीक है क्वेश्चन है कि कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन question में क्वेश्चंस के नंबर पर फोकस मत करना, बल्कि आपको क्या करना है क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलना है ठीक है क्योंकि जिस फाइल में से जो कि बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कवर कराए हैं बताइए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा गोल्ड गोल्ड फिल्म जो की है यह भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो कि यहाँ पर मेडल्स जीते हुए हैं उस पर यह आधारित है यह बात याद रखिएगा ठीक है बाकी अगर हम बात करें मेडल्स के बारे में तो मैक्सिमम मैक्सिमम मेडल इन ओलंपिक गेम इन ओलंपिक गेम्स क्या हो जाएगा इन ओलंपिक गेम्स किसने जीते हुए हैं अगर हम हॉकी की बात करेंगे तो यह हमारे देश यानी कि इंडियन भारतीय हॉकी टीम ने ही जीते हुए हैं क्या आप बता सकते हैं कि टोटल ओलंपिक खेलों में हमने कितने मेडल जीते हुए हैं जी बिल्कुल रितिका चलिए अगर हम यहाँ पर ओलंपिक खेलों की बात करें कि हमारी हॉकी टीम ने कितने मेडल जीते हुए हैं क्या आप बता सकते हैं आंसर कीजिए जल्दी से हमारी हॉकी टीम के द्वारा यहाँ पर कितने मेडल यहाँ पर जीते हुए हैं ये आप लोगों को आंसर करके बता रहा है जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे फटाफट से कि कितने मेडल जो कि हैं ऑल ओवर हमने यहां पर जीते हुए हैं आंसर कीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा चलिए चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा कितने मेडल यहाँ पर जीते हुए हैं फटाफट से आठ गोल्ड मेडल के साथ में सबसे पहला गोल्ड मेडल जो कि है यह हमने जीता था 1928 में जी बिल्कुल याद रखिएगा 1928 में सबसे पहला हमारी हॉकी टीम ने अपना गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था और अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो टोटल अभी तक 18 गोल्ड मेडल है जो कि यहां पर हम लोग जीत चुके हैं लास्ट टाइम जो कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर जो कि लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी यहां पर हुआ था तो इसके अंदर भारतीय टीम के द्वारा भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो कि है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था ठीक है और ये आपका 2020 वाले 2021 में आयोजित किए गए थे इससे पहले लास्ट टाइम हमने 1980 में 1980 में गोल्ड मेडल यहां पर जीता था चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे सभी भारत में 500 एंड 1000 के जो कि मुद्रा नोटों को वर्ष में एमएनए घोषित किया गया था किस वर्ष में एमएनए घोषित किया गया था ये आप लोगों को आंसर करके बताना है क्लास में नोटिफिकेशन आए या ना आए लेकिन आप लोग टाइमली ही क्लासेस जुड़ जाया किया कीजिए ठीक है जी बिल्कुल क्या हो जाएगा 2016 में किया गया था डीमोनेटाइजेशन अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भारत में नीली क्रांति डैश से संबंधित है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा चलिए भारत में नीली क्रांति नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि है यह मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए यहां पर की गई थी जो कि नाइनटीन के दशक में भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन पर फोकस किया गया था ठीक है याद रखिएगा इसके साथ ही अगर हम जूट प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी यहाँ पर रिवोल्यूशन संबंधित है तो यह है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से संबंधित रही है और कृषि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी रही है तो यह है ग्रीन रिवोल्यूशन यह एग्रीकल्चर से ही संबंधित यहाँ पर की गई थी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट आंसर करेंगे कि भाई खरीफ फसलों को डैश ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है देखिए जनरली जो कि यहाँ पर क्रॉप होती है फसल होती है इन्हें खरीफ की क्रॉप में ठीक है इसके साथ ही इन्हें रबी की क्रॉप में ठीक है और एक जायद क्या हो जाएगा जायद की क्रॉप के साथ इन्हें डिवाइड किया जाता है चलिए मछली जल की रानी मछली जल की रानी है आंसर करो क्वेश्चन में चलिए आंसर करेंगे चलिए फटाफट से वो सेशन को भी सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा ठीक है खरीफ की फसल रबी की फसल जायद की फसल देखिए, जो जायद की फसल होती है यह है सबसे शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि सबसे कम समय के लिए यह लगाई जाती है जो कि अगर मैं इसकी बात करूं मोटे तौर पर तो मार्च से कुछ मई के लिए इसे बोया जाता है जैसे कि ककड़ी हुआ खीरा हुआ करेले हुए तो ये यह सभी यहाँ पे आ जाते हैं ओके okay. चलिए हाँ बिल्कुल आ, इसके साथ ही रबी की फसल की बात कर लेते हैं रबी की जो फसल है रबी की फसल का एग्जाम्पल ये याद रखना गेहूं का अगर आप लोगों को वीट से याद है तो आप इजीली यहाँ पर आंसर कर सकते हैं रबी की फसल जो की है यह है आपकी अक्टूबर के आसपास बोई जाती है करेक्ट ऐसा नहीं कि अक्टूबर में ही बल्कि अक्टूबर के महीने के आसपास इसे कुछ दिन पहले की कुछ दिन बाद में तो करीबन अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और इसे लगभग अप्रैल के आसपास के महीने में काट लिया जाता है ठीक है इसके बाद का जो समय यहाँ पर बचता है ये खरीफ की फसल का आ जाता है जो कि जुलाई से अक्टूबर के समय पर यहाँ पर बोई जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई जब कौन से मौसम की शुरुआत होती है जिस समय पर यहाँ पर खरीफ की फसल को बोया जाता है क्या हो जाएगा वर्षा ऋतु की शुरुआत के समय पर क्या हो जाएगा वर्षा ऋतु की शुरुआत के समय पर जो कि है खरीफ की फसल को बोया जाता है ठीक है अच्छा थैंक यू चलिए अगले क्वेश्चन में बताएंगे क्या हो जाएगा तबीयत खराब होने के बाद ज्यादा अच्छे लगते हैं आंसर है? करेंगे क्या हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में प्राण नियोर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज डैश के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है सुनील बेटा पढ़ाई पर भी फोकस कीजिए बहुत जरूरी है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर लेते हैं क्या रहेगा 1914 से 1914 से 1918 के दौरान के दौरान जो की है यह हुआ था ठीक है ये बात याद रखिएगा इसके साथ ही इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो कि भारतीय जो हैं जिन्होंने की ब्रिटिश की सेना में शामिल होकर के उनकी मदद की थी बिल्कुल आ, सोनो लास्ट में एक बार पूछ लेना तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है, है इंडिया गेट क्या हो जाएगा इंडिया गेट पर यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं क्या हो जाएगा इंडिया गेट जो कि एडवर्ड एंड लुटियंस के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था और इसमें यहाँ पर अमर जवान ज्योति भी यहाँ पर जली हुई है चलिए <laughs> सॉरी भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची उच, प्रतिमा है बताएंगे क्या हो जाएगा चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है गुजरात में है ठीक है इसके साथ ही इसमें याद रखेगा कि राम वी सुतार राम वी सुतार के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी का इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में याद रखेगा कि 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए जानी जाती है ठीक है बात आपको याद रखना है और क्या हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू के रूप में यह बनी हुई है क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू के रूप में यह बनी हुई है इसके साथ ही 31 अक्टूबर को याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस पर इस दिन क्या हो जाएगा यूनिटी डे के रूप में भी यह मनाया जाता है बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर लेते हैं भारत में एकता के दूत के रूप में यह जाने जाते हैं भारत के विस्मार्क भारत के भारत के विस्मार्क और लोह पुरुष के नाम से यह जाने जाते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है बताइए किस नदी में पाया जाता है माजुली दीप माजुली द्वीप के अगर मैं एरिए की बात करूं तो लगभग आठ किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है इसकी लोकेशन की बात करेंगे कहां पर इसकी लोकेशन आती है तो असम राज्य में ठीक है क्या हो जाएगा असम राज्य में और यह ब्रह्मपुत्र नदी से यहां पर बनता है क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से इसके साथ ही अगर आप लोगों से एक और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्मोलेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड की बात करेंगे सो एक कोइंसिडेंस है वो क्या है वो ये कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो आइलैंड नदी का आइलैंड बनता है ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही बनता है क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से ही यह बनता है और इसकी लोकेशन भी असम राज्य में ही यहाँ पर आ जाती है सबसे छोटे की अगर हम बात करेंगे और इसका जो नाम है यह है उमानंद उमानंद है इसे पिकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है इसे पिकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसमें आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा मिग ट्वेंटी वन उड़ाने उड़ाने वाली उड़ने वाली नहीं उड़ाने वाली होगा उड़ाने वाली ठीक है उड़ाने वाली पहली महिला भा, भारतीय वायु सेना अधिकारी डैश है कौन है ये आपको बताना है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए प्लीज शेयर भी करेंगे सरस्वती थैंक यू इतने एफर्ट्स के लिए चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा जी बिल्कुल क्या हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे मध्य प्रदेश से हैं और अवनी चतुर्वेदी के साथ साथ में ही जो कि फाइटर जेट है इनके लिए एज अ ट्रेंड होने वाली तीन महिलाएं रही हैं एक तो अवनी चतुर्वेदी है एक भावना कंठ है भावना कंठ और एक है मोहन सिंह मोहन सिंह ये तीन महिलाएं रही हैं जिन्होंने की एक साथ ही जो कि फाइटर जेट है इसकी उड़ान भरी थी लेकिन इन तीनों में सबसे पहले जो शुरुआत है यह अवनी चतुर्वेदी ने की थी चलिए भाई क्या हो जाएगा कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक को लिखा है बताइए किन से रिलेटेड है ये ए सेंचुरी इज नॉट इनफ आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल सही बात है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यह है, है सौरव गांगुली इसके साथ ही प्लेइंग इट माई वे प्लेइंग इट माई वे प्लेइंग इट माई वे की बात करेंगे तो यह है सचिन तेंदुलकर की बुक है बाकी विराट कोहली के ऊपर तो बहुत सारी इनकी बायोग्राफी लिखी जा चुकी हैं मतलब अब तो ये नहीं पता कि एग्जाम में कौन सी पूछी जाएगी काफ़ी सारी इनकी किताबें लिखी जा चुकी हैं और बुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर मैं सेशन कर चुकी हूँ तो बुक्स का जो सेशन है वो आप लोग कवर कर लीजिएगा भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है बताइए इनमें से कौन सा रेगिस्तान है जो कि भारतीय पश्चिमी सीमा पर यहाँ पर स्थित है केमूर की पहाड़ियों की ओर हिमाद्री की ओर नीलगिरी पहाड़ियों की ओर या फिर अरावली पहाड़ियों की ओर बताइए कहाँ पर मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन है जो कि इजीली आप लोग आंसर यहाँ पर कर सकते हैं इसका क्या हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ क्या हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये आ, हमारे भारत में यहाँ पर दिल्ली से लेकर के गुजरात तक ये है फैली हुई है ठीक है और यह राजस्थान में मैक्सिमम डेजर्ट वाला जो कि एरिया है ना कौन सा डेजर्ट वाला एरिया डेजर्ट वाला। थार, डेजर्ट वाला जो एरिया है ठीक है, यहां पर कवर करती है। ये बात याद रखिएगा बाकी अरावली श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी याद रखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं किसकी सबसे ऊंची जो कि चोटी है यह है, कौन सी है तो यह है, है गुरु शिखर क्या हो जाएगा गुरु शिखर यहाँ पर है ठीक है जिसकी हाइट 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी जो लोकेशन है यह है भी राजस्थान राज्य में ही आ जाती है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा देखिएगा डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण की संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है बताइए क्या हो जाएगा इसमें से कोई एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें कि आप लोगों को हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा यहां पर देखने के लिए मिलती है चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन में कि क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर यह है बनेगा चलिए कथकली कथकली नहीं कथकली नहीं है कथक है मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या है ये आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो मैंने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है क्लास में अगर मैं यहाँ पे कथक के डांस फॉर्म की बात करूँ तो कथक जो कि डांस फॉर्म है ये आ, इसे जो कि संरक्षण प्रदान हुआ ये कथक पहले से ही डांस फॉर्म किए करते हुए आया जा रहा था लेकिन इसे जो संरक्षण प्र, प्रदान हुआ यानी कि कहूंगी कि जो इसकी फेमस जो इसे एक फेम मिला वो मुगल शासन के दौरान ही यहाँ पर मिला था इस वजह से आपको इसमें हिंदू और मुस्लिम शैलियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती है बाकी ये सभी आप जानते ही कि नॉर्थ इंडिया यानी कि जनरली यह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है मणिपुरी मणिपुर में और ओडिशी ओडिशा में और बाकी कथकली की बात करेंगे तो केरल राज्य में भारत के आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें से कि चार के नाम आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं इसके साथ ही एक है मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम भी क्लासिकल डांस फॉर्म है यह है भी केरल राज्य का है इसके साथ है भरतनाट्यम 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 की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु राज्य का है इसके साथ है कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का है इसके साथ ही यहाँ पर हो जाएगा सत्रिया क्या हो जाएगा सतरिया की बात करेंगे तो यह हो जाएगा असम का तो ये टोटल आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है एक ये रहा चार ये रहे और बाकी के तीन ये रहे चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे कि भाई स्टेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के जो कि लेखक है इनकी पहचान कीजिए कि यह कौन है हाँ बिल्कुल जैसे कि बिच्छू महाराज हुए जी बिल्कुल बिच्छू महाराज हुए लच्छू महाराज हुए सितारा देवी हुई ये हाँ यूपी के जो कि एग्जाम्स होते हैं ज्यादातर इन सभी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है जी स्टेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के जो कि लेखक है यह कौन है कपिल देव बिल्कुल क्या हो जाएगा कपिल देव बाकी कपिल देव की तारीफ में क्या कहें आप सभी जानते हैं नाइनटीन के दौरान यह है आ, कैप्टन रहे हैं और बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं इन्हें हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को ठीक है अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट पर आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि तराइन के युद्ध में ग्यारह सौ बानवे में, में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित किए गए थे ये आपको बताना है तराइन के दो युद्ध यहाँ पर हुए हैं एक तो ग्यारह में इस समय पर तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था और इस इस बार जो फर्स्ट हुआ था वॉर इस समय पर जो कि मोहम्मद गौरी था ये हार गया था मोहम्मद गोरी इस समय पर हार गया था और इसके साथ ही जब दोबारा से मोहम्मद गोरी को उस समय वहाँ से कुतुब्दीन ऐबक ऐबक जो कि है बचा करके निकल ले जाता है इसे वहाँ से निकाल करके ले जाता है और फिर यह वापस से अपनी सेना को खड़ा करके वापस आता है ग्यारह सौ बानवे में और इस समय पर यह है, आ, अपनी जीत को बना लेता है मोहम्मद गोरी तो इस युद्ध में तराइन के सेकंड वॉर में जो की है यहाँ पर इसकी जीत हो जाती है इसके बाद फिर यह ग्यारह सो में ग्यारह में, में चंदावर चंदावर का युद्ध करता है और चंदावर का जो कि युद्ध है यह किसके साथ में होता है जयचंद के साथ में जयचंद के साथ में ठीक है जो कि गहड़वाल वंश का शासक था गहड़वाल वंश का यह है शासक था कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता जो कि जयचंद की बेटी से विवाह किया था किडनैप करके जिसमें कि संयोगिता की, की सहमति थी तो उसका बदला लेने के लिए जयचंद ने यहां पर मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था भारत में कि भाई तुम आओ और पृथ्वीराज चौहान पहले क्या होता था कि जनरली जो ये अरब शासक होते थे आते थे भारत में लूटपाट करके चले जाते थे तो इसको लगा कि भाई ये आएगा मोहम्मद गोरी को हराएगा और मतलब मार देगा और फिर तुम दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लोगे बट क्या हुआ कि वो कहते हैं ना कि अगर कीचड़ में ईंट फेंक करके मारते हो तो छीटे तो तुम्हारे ऊपर भी लगेगी अगर आप किसी और को टारगेट बना रहे हो तो आप भी उसमें इन्वॉल्व होते हो तो फिर रिजल्ट निकला कि चंदावर का युद्ध जो कि इलेवन नाइनटीन फोर्टी इलेवन नाइनटीन फोर में हुआ इसमें जयचंद की हार हो गई थी और जयचंद को मोहम्मद गोरी ने मार दिया था चलिए और उसके बाद फिर अपने ही गुलाम बख्तियार खिलजी और आबक जो की है इन दोनों को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ गया था चलिए करने लगी है बिल्कुल सही बात है इस बार 2023 के लिए एसएससी के कैलेंडर के लिए बिल्कुल 2023 के लिए नहीं 24 के लिए 2024 के लिए एस एस के कैलेंडर के लिए तैयार रहिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है पहले से अपने टारगेट को बना करके चलिए एम के लिए भी एंड सी के लिए भी सबसे पहले ये दो आप लोगों के एग्जाम रहेंगे देन उसके बाद फिर सी जी रहेगा चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था चलिए इसकी अगर बात कर लेते हैं तो ये जो कि एक्ट है यह है किस वर्ष में पारित किया गया था ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है चलिए वैसे इन्होंने गलत ये मेंशन किया हुआ है ये जो एक्ट आया था ये आया था 2005 में ठीक है और पारित ये पारित सही पारित सही किया है हुआ था ये 2005 में अगर इम्प्लीमेंट की बात करेंगे इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने की अगर बात करेंगे कि लागू कब हुआ था तो 2006 में यहाँ पर लागू हुआ था जिसे कि इन शॉर्ट नरेगा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है यूपी के एग्जाम में तो बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बट प्रेजेंट टाइम में इसे नरेगा के नाम से नहीं जाना जाता है बल्कि इसे मनरेगा मनरेगा के नाम से जाना जाता है है अब ये क्या है? तो भाई 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर कर दिया गया था जो कि महात्मा गांधी बाकी फुल फॉर्म सेम है बस एम से महात्मा गांधी आप ऐड करेंगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है जिसमें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिमम कम से कम मिनिमम कम से कम हंड्रेड डेज का तो रोजगार देना ही होगा बाकी कुछ राज्यों में एक सौ बीस दिनों का भी काम यहाँ पर दिया जाता है किनको दिया जाता है उन युवाओं को जिनके घर में कोई भी कमाने के लिए नहीं है नहीं है और अपने मतलब तो परिवार के जीवन यापन के लिए जो काम करने योग्य एक एज है उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है इस योजना के तहत साथ ही उन्हें कम से कम सॉरी कम से कम नहीं बल्कि 15 डेज के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर जितनी भी वो मतलब मजदूरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं उसका वेतन उन्हें उनका भुगतान उनको उनको करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे आ जाते थे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है यह है, कौन सी है बताइए बल्कि ओडिशा की ही नहीं ये तो अगर आप भारत की भी बात करेंगे इन इंडिया भारत की भी बात करेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी झील रहेगी चिलिका लेक रहेगी साथ ही यहाँ पे जो कि आपको पुलिकट लेक के बारे में दिया गया है ये भारत में सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक के लिए यहां पर जानी जाती है सोल्ट वाटर लेख के लिए यहाँ पर जाने जाती है ये बात आप लोग याद रखेगा ठीक है इसकी बात करेंगे तो भारत में यह लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक के लिए यहाँ पर जानी जाती है जो कि कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है डल लेक की बात करेंगे यह भी एक फ्रेश वॉटर की ही लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है पुलिकट की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु राज्य पर यह है इन दोनों के ही बॉर्डर एरिया पर यह पड़ती है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है किसके द्वारा तो याद रखिएगा पाक स्टेट क्या हो जाएगा पाक स्टेट के द्वारा जो कि है इन दोनों के बीच में सीमा यह बनी हुई है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था जिसे क्या नाम दिया गया था जिसे की झांसी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया गया था झांसी रेजिमेंट का नाम क्यों दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी जाना जाता है इसके नाम से नाम दिया गया था और इसका जो गठन है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था जिस समय पर यह आईएनए का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय पर इन्होंने महिलाओं का एक रेजिमेंट्री का भी गठन किया था चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर क्या हो जाएगा कि भाई वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत निहित है चलिए बेसिक्स क्वेश्चन है बताएंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे चलिए जी बिल्कुल क्या हो जाएगा समताप मंडल स्टेटोस्फेयर क्योंकि यहां पर ही क्यों क्योंकि इस लेयर में ही ऑक्सीजन का सिंगल एक अणु पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है ओ थ्री बना देता है यानी कि ओजोन बना देता है इसी को ही तो ओजोन के नाम से जाना जाता है जो कि पृथ्वी पर यूवी रेस को सूरज से आने वाली जो कि यूवी रेस है इन्हें डायरेक्ट आने से रोकती है अगर ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी से आने वाली जो कि यूवी रेज है ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आती और पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी का जो कि टेम्परेचर है यह है जनरली 40 तो मतलब 50 से भी ज़्यादा ही यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता इससे ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता ये कम है और अभी जानते हैं 50 डिग्री पर क्या हो जाता है 50 डिग्री पर इतनी भयंकर गर्मी होती है ना कि उस समय पर लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते 40 डिग्री सेल्सियस में इतनी हालत खराब हो जाती है कि लोग एसी बंद नहीं करते 24 घंटे अपने घर में और 50 से ऊपर का मतलब समझ रहे हो शायद ही यहाँ पर फिर रहना संभव हो पाता तो इसलिए ओजोन लेयर बहुत महत्वपूर्ण है So, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी वर्ष कैलेंडर पंचांग का पहला महीना है तो पंचांग के पहले महीने की बात करते हैं यह आ जाता है चेत्र का चेत्र का जो कि महा है यह है मार्च अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि है जिसे कि अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर तो यह मार्च एंड अप्रैल मार्च एंड अप्रैल के आसपास से यहाँ पर शुरू हो जाता है चेत्र का महा ठीक है और लास्ट मंथ की बात करेंगे तो हिंदू कैलेंडर में जो कि लास्ट मंथ होता है यह आता है फाल्गुन जो कि मार्च में ही खत्म होता है ठीक है फाल्गुन के महीने में ही होली आती है हिंदू कैलेंडर का जो कि लास्ट मंथ होता है उसमें ही चलिए उसमें ही आ, यहां पर जो कि है <laughs> Uh, होली आती है ठीक है चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग ऐसे आंसर कर रहे हो कि मेरा ध्यान भटक रहा है आप लोग यहाँ पे आंसर करो चौरानवे में भी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था चलिए अभी पीछे ही आप लोगों को क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया था और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जी बिल्कुल जयचंद को हराया था जयचंद की बात करेंगे तो यह गहड़वाल गहड़वाल वंश का शासक था यह इसी की बेटी थी सयोगिता जिससे शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट कि भाई निम्नलिखित को मिलाइए एक तरफ आप लोगों को यहाँ पर डैम दिए गए हैं उन, उनके सामने जो कि है आप लोगों को यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं तो आपको बताना है कि आपका जो कि भाई आंसर है वह है यहाँ पर क्या बनेगा चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में कि क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनेगा और अट्ठारह फेबर uh, को में भी आप लोगों के लिए मैं बता दूंगी बाकी अठारह फरवरी को आप लोगों के लिए ना मैं रिविजन डे रखूंगी इस दिन आप लोगों का रिविजन सेशन रहेगा तो आप लोग देख लेना ठीक है अपना यहाँ पर बना लेना तो रिविजन सेशन ही मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रखूंगी ठीक है चलिए सो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर देखिएगा हीरा कुंड बांध की बात कर लेते हैं क्या रहेगा चलिए यहाँ पे फटाफट -फड़ से क्वेश्चन में आंसर करेंगे क्या हो जाएगा जी हीराकुंड डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है ओडिशा राज्य में यह बना हुआ है याद रखिएगा ठीक है इसके साथ ही यहाँ पर पोंग डैम की बात कर लेते हैं पोंग डैम कहां पर है यह व्यास नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में ठीक है चलिए इसके साथ ही यहाँ पर कडाना डैम की बात कर लेते हैं माही नदी पर बना हुआ है और उकाई बांध की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा गुजरात में तापी नदी पर यह बना हुआ है सो so, ए का यहाँ पर फोर रहेगा बी का यहाँ पर फर्स्ट सी का यहाँ पर सेकेंड और डी की बात करेंगे तो थर्ड यहाँ पे आपका रहेगा यानी कि फोर वन टू थ्री ये आप लोगों का यहाँ पर मैचिंग रहेगी क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या से इम्पैक्ट प्रिंटर है ये आपको बताना है इनमें से कौन सा इम्पैक्ट की इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए जाने जाते हैं ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई चलिए जी क्या हो जाएगा लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा कि ये सभी के सभी जो कि हैं यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल ही आप लोगों को दिए गए हैं क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र सबसे पुराना है और आज भी उत्पादन कर रहा है बताइए क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा है जो कि तेल का सबसे पुराना क्षेत्र भारत में यहाँ पर जाना जाता है और आज भी यह है। तेल का उत्पादन कर रहा है बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा चलिए बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा सो यह है भाई डिग्बो और डिग्बो की बात करेंगे कहां पर है सो यह है असम राज्य में। क्या हो जाएगा कहां पर है तो यह है असम राज्य में है ठीक है अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं द नेक्स्ट आंसर कीजिएगा सभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले के भक्ति संत सूरदास से जुड़े महमूदपुर गांव नामन के एक गांव का नाम बदल दिया और महमूदपुर गांव का जो कि नाम है वह अब क्या रहेगा यानी कि अब इसे किस नाम से जाना जाता है बताइए जी बताएंगे कि भाई अब इसे जो कि है किस नाम से यहां पर जाना जाता है बिल्कुल इसके बारे में याद रखेगा इसे अब परसोली के नाम से यहां पर जाना जाता है चलिए क्या हो जाएगा इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसे अब परसोली के नाम से यहां पर जाना जाता है चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बताइए जो कि सबसे ज्यादा डायमंड का प्रोडक्शन कर रहा है चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है ये आप लोगों को बताना है चलिए हीरे की बात करेंगे तो भारत में इतना ज़्यादा अभी जो कि है डायमंड का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है बट मध्य प्रदेश राज्य जो कि है यह है, कंपेयर टू सभी स्टेट्स के सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन कर रहा है और जनरली इसमें याद रखिएगा जो कि पन्ना की खान है यानी कि पन्ना माइन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है यह यहाँ पर मेनली जाना जाता है प्रोडक्शन के लिए डायमंड की ठीक है याद रखिएगा आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में आंसर करेंगे कि भाई विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक समूह ये समूह है यानी कि ग्रुप है क्या हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ठीक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो की हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है जी बिल्कुल चलिए जी बिल्कुल क्या रह जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे सो नाइनटीन फोर्टी फोर में जो कि ब्रिटेन वुड क्या हो जाएगा ब्रिटन वुड ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी उसके दौरान जो कि है इसका इसकी स्थापना की गई थी इसके हेडक्वाटर की बात करेंगे यहाँ पर है और वर्ल्ड बैंक में अगर हम प्रेजिडेंट की बात करें तो बताएंगे यहाँ के, के प्रेसिडेंट कौन है जो कि भारतीय मूल के हैं बताएगा कोई कौन है सो so, यह है, है अजय बांगा क्या हो जाएगा अजय बांगा जो कि है प्रेसिडेंट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा बताएंगे कि एट ऑफ मिड नाइट वहन वर्ल्ड स्लिप्स इंडिया विल अप टू लाइफ एंड फ्रीडम by बताएंगे आंसर करेंगे कि यह जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा यहां पर कहा गया था बताएंगे। बताएंगे। बताएंगे आधी रात के अंधेरे में जब जो जगत है यानी कि दुनिया जब सो रही होगी तो उस समय भारत जाग रहा होगा अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता के लिए और यह है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है नेक्स्ट आगे आ जाते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं और आप लोगों को इसमें पहचानना है कि भाई कौन सा गलत तरह से सम्मिलित है ये आप लोगों को आंसर करके यहां पे बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए 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 बताएंगे सभी के सभी क्या आप लोगों का आंसर यहां पर बनेगा यह आप लोगों को बताना है देखिए, इंडिया आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस सात दिसंबर को मनाया जाता है विश्व दिवस की बात करेंगे, तो यह आठ मई को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की बात करेंगे तो बाईस अप्रैल को मनाया जाता है इसके साथ ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो यह कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है यहां पर अट्ठाईस फरवरी को क्यों क्योंकि 28 फरवरी के ही दिन 1928 में सीवी रमन ने सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी क्या हो जाएगा जो कि लाइट का एक प्रभाव है इसे रमन इफेक्ट के नाम से यहां पर जाना जाता है इसकी खोज इनके द्वारा ही यहां पर की गई थी 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी जो की है 10 फरवरी यानी कि आज के दिन कौन सा डे मनाया जाता है बताओगे आज 10 फरवरी है और आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है आज के दिन ही विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है ये बात याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट कि भाई परशिद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती चलिए परशिद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को आंसर करके बताना है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा यदि हम इनकी हाँ बिल्कुल <coughs> अगर हम दरगाह की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है चलिए जी बिल्कुल क्या हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर है ठीक है जो कि किसके द्वारा अकबर के द्वारा यहाँ पर बनवाई गई थी चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कुछ इसमें ना एक तरफ उन पर्सन के नाम दिए गए हैं जिन्होंने की उनके सामने लिखे हुई चीजों को किया किया है इन्वेंशन किया हुआ है हुआ इसमें जैसे कि पेंसिलीन की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई है थॉमस एडिसन की बात करेंगे तो विद्युत बल्ब की खोज जे एल बेयर्ड की बात करेंगे तो टेलीविजन सापेक्षता की बात करेंगे तो निकोला टेस्ला इनमें से कोई एक है जो कि सही तरह से सम्मिलित आप लोगों को नहीं दिया गया है और उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा है बताएंगे <laughs> सॉरी चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा सापेक्षता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल आइंस्टीन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है जो कि क्या हो जाएगा इज स्क्वायर किसके द्वारा आइंस्टीन के द्वारा के द्वारा दिया गया है सापेक्षता का ना कि निकोला टेस्ला के द्वारा दिया गया है बाकी के तीनों के तीनों जो कि हैं ये आप लोगों को बिल्कुल सही यहां पर दिए गए हैं पहला जैन तीर्थांकर जो कि है यह कौन रहा है सबसे पहले जैन तीर्थांकर की अगर बात कर लेते हैं तो यह है भाई कौन रहे हैं ये आप लोगों को बताना है चलिए पहले जैन तीर्थांकर की बात करेंगे क्या हो जाएगा तो ये है रहे हैं ऋषभ देव ऋषभ देव जो कि है सबसे पहले जैन तीर्थांकर रहे हैं जिन्हें की आदिनाथ के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है महावीर की बात करेंगे ट्वेंटी फोर्थ नंबर के जैन तीर्थांकर रहे हैं पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो ट्वेंटी थर्ड नंबर के जैन तीर्थांकर यहां पर रहे हैं ठीक है अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा वह मुरक्को का यात्री था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था भारत का दौरा उसने किया और उसने रिहला उसकी रचना थी व्यक्ति की पहचान भाई इससे भी आसान क्वेश्चन और क्या ही होगा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि भाई अब तू बिल्कुल हमारी आंखें भर देगा क्या अब इतना तो हम पहचान ही लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इब्न बतूता बताओ अगर ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने लग जाए तो कितनी दुआएं उनको मिलेंगी ना क्या रहेगा ए ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आप लोगों का ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये चलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की बताइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो कि स्थापना है 1875 के दौरान की गई थी जिसे कि ओरिएंटल जिसे कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से यहां पर जाना गया था ठीक है क्या हो जाएगा यहां पर अगर बात करें सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में की गई है अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। इंडियन and... क्या हो जाएगा यहाँ पे रुकिए इंडियन एंड एशियन क्या हो जाएगा जियो पोलिटिक्स दास्ट प्रजेंट ये बुक किसकी है ये आपको बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा <clears throat> क्लास को भी सभी के सभी लाइक करते हुए चलिएगा और बताना है आप लोगों को कि क्या हमारा जो आंसर है भाई यह बनेगा फटाफट से क्या आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा जी क्या हो जाएगा शिव शंकर मेनन की यह है, किताब है क्या हो जाएगा शिव शंकर मेनन की यह है, किताब है ठीक है so सो ये हो गया भाई आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है इसके साथ ही पीडीएफ के बारे में जरा आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ पीडीएफ के लिए यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाती है और बाकी और भी क्लासेस की पीडीएफ डी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी इसके साथ ही आप सभी जो कि हैं मेरे कोड को यूज़ करते हुए जो कि है एस ओ टी वन ये मेरा कोड है और मेरे कोड को यूज़ करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आप लोग यहाँ पर अपने सब्सक्रिप्शन के ऑफर को यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें कि आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऑफर को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ ही ओके okay. इसके साथ ही आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को फुल लैंड टेस्ट सीरीज प्रीवियस या टेस्ट सीरीज इंडिया बेस्ट एजुकेटर के साथ में आप, आप आप में आप लोगों को यहां पर क्लासेस मिलती हैं पीडीएफ आपको मिलती है लाइव क्लासेस मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्यूज भी आप लोगों को मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पर फिजिकल नोट्स भी मिलते हैं बाकी सभी की सभी प्लस वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को आइकॉनिक में यहाँ पर मिल जाती हैं सो so, आप लोग मेरे कोड को यूज़ करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में अपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के ऑफर को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बाकी सुबह सात बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है सभी के सभी सुबह सात बजे की करंट अफेयर की क्लास को भी ज्वाइन किया करो और ग्यारह बजे की क्लास तो आप लोगों की है ही ठीक है चलिए भाई इसके साथ ही आप लोग यहाँ पर हाँ बिल्कुल एक्चुअली कल ना मुझे फीवर हो गया था जुखाम से जुकाम से कल फ़ीवर हो गया था इसीलिए फिर मैं क्लास नहीं कर पाई थी ना ही कल मेरी सुबह सात बजे करंट अफेयर की क्लास हुई थी और ना ही ये सर्दियाँ जब आती हैं और जाती हैं तो वो परेशान करती ही हैं बाकी जी पवन बिल्कुल ध्यान रखेंगे बाकी ये बेसिक सा है बस ये कि आप लोगों का पता नहीं पड़ पाता हम टीचर हैं तो हमारा पता पड़ पाता है क्योंकि हम क्लासेस से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते तो कल एक दिन का मैंने रेस्ट किया बट क्लासेस कब तक छोड़ सकते हैं तो क्लास तो कंटिन्यू करना ही है ना और एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि घर से क्लास कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो दवाई लेकर के कर सकते हैं चीजों को कंटिन्यू तो चलिए खैर यहाँ पर अभी 18 फरवरी को सुबह ग्यारह बजे रेलवे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर रहेगा तो सभी के सभी 18 फरवरी को सुबह ग्यारह बजे अपने मॉक टेस्ट को यहाँ पर जरूर अटेंड करें बाकी सिक्स पीएम भी आप लोगों का सेशन रहेगा जिसमें कि मैं जी के जी के, के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगी चलिए थैंक यू धर्मवीर बट कोई बात नहीं ये मुझे लगता है कि तबीयत का खराब होना भी जरूरी होता है ठीक है ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग हो अगर हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे मतलब ओ, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो हर महीने बीमार पड़ रहे हो ऐसा भी नहीं लेकिन हाँ मतलब एक साल में एक बार ही तो वो बनता है और लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो मुझे मार्च में फीवर आया था उसके बाद मुझे अभी फ़ीवर आया था तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि जो इस तरह के बैक्टीरियाज़ आपकी बॉडी में बनते हैं कि उनसे कैसे उनको लड़ना है तो ज़रूरी होता है इस ओके ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं दो तीन दिन का टाइम लगेगा ठीक हो जाएगा जी खुश थैंक यू थैंक यू बाकी हाँ आप सभी इतनी चिंता कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू थैंक यू चलिए तो सेशन को यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं जी माधुरी चलिए सेशन को हम लोग यहाँ तक रखते हैं फिर मिलते हैं शाम को छः बजे अपनी क्लास में श्योर बिल्कुल खुश वैसे मैं डेली लेमन टी पीती ही हूँ नहीं मज़ाक नहीं मैं डेली पीती ही हूँ सीरियसली सुबह के टाइम पर जब भी भी करंट अफेयर की क्लास होती है तो मैं अपनी स्टार्टिंग वहाँ से ही करती हूँ लमन टी के साथ में ही बाकी थैंक यू चलिए तो इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं मिलते हैं शाम को अपनी क्लास में आप सभी ख्याल रखिएगा आप सभी भी ख्याल रखिए बाहर जाने से जितना अवॉइड कर सको बचो और पढ़ाई पर फोकस करो सो so, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय जे भारत